अस्पताल के चबूतरे पर इलाज कराते हुए इन लोगों से उस स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत पूछिए जिसके कसीदे हर एक मंच से पढ़े जाते हैं। इनसे पूछिए कि क्या चबूतरे की जमीन पर इलाज कराने के लिए इन्होंने वोट दिया था? क्या इसके लिए ही इन्होंने टैक्स चुकाया था? हम आपको बताते हैं इस तस्वीर के पीछे की वास्तविक हकीकत क्या है। दरअसल मिर्जापुर के हालिया में सोनकर बस्ती में 21 सितंबर को रात में उमाशंकर सोनकर के पिता की 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें बस्ती के लोगों ने भोजन किया। भोजन के बाद अचानक 22 लोग फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए। आनन फानन में इन सभी को हालिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन यहां पर इनमें से अधिकांश को बेड ही नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद इन मासूम बच्चों को पेड़ के चबूतरे की जमीन पर लेटकर इलाज कराना पड़ा। अब हजारों की संख्या वाले क्षेत्र में जब 22 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था ना हो तो बाकी अन्य स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना पर जब हमने पीछे की कहानी जाननी चाही तो पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ 10 बेड ही हैं, जिसके कारण बच्चों को बाहर लेटना पड़ा। लेकिन इस वीडियो में सवाल आखिर ये उठता है कि बेड ना होने पर क्या अस्पताल में चादर भी नहीं था जो ये गरीब मासूमों को गंदगी में लेटकर इलाज कराना पड़ा। अब फिलहाल इन सभी ढीला हवाली के बाद घटना का वीडियो वायरल है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जब हमने अधिकारियों से जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसकी रात को वहाँ पे बच्चों के द्वारा, अगल बगल के बच्चों के द्वारा और कुछ बड़े लोगों के द्वारा भी वहाँ भोजन खाया गया और उसके बाद दूसरे दिन से वो बीमार पड़ना शुरू कर दिए, जिनका की सूचना मिलने पर उनका त्वरित इलाज करने का व्यवस्था किया जा रहा है। और उसमें ये देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग टाइप का केस सामने आ रहा है, जिसमें कि एक ही प्रकार का भोजन खाने से एक ही तरह के लक्षण वाले लोग बीमार निकल रहे हैं, जिसमें अब तक हमारे अस्पताल में कुल 22 लोगों को उपचार के लिए लाया गया, जिसमें कि 4 लोगों को तो ठीक हो गए हैं, छुट्टी दे दी गई है, बाकी 18 लोग अभी भी उनका इलाज चल रहा है। हाँ, सुबह सूचना मिल रही थी कि वहाँ मरीजों को इलाज करने में दिक्कत आ रही है। चूँकि हमारा ये अस्पताल 10 बेड का है फिलहाल, और इसमें चूँकि मरीज की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अधिक मरीज आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था, तो इसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि अलग से बेड की व्यवस्था की जा रही है। टेंट हाउस से हम लोग किराए पर लेकर के बेड वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। अब प्रशासन भले ही टेंट हाउस के किराए पर बिस्तर मंगवाने की बात कह रहा हो, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति के इलाज में सिर्फ बिस्तर उपलब्ध कराना ही काफी होता है? और क्या हजारों की आबादी वाले क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11वें बीमार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये खबर की थी मिर्जापुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार सिंह ने। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।